हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बरसों बाद यीशु को प्राप्त हुआ है। सनातन धर्म की जो ध्वजा है आज पूरी वर्ल्ड में फैल रही है। तिलक नाम सुनकर ही एक मन प्रफुल्लित हो जाता है। 22 जनवरी इतिहास में लिखा जाएगा। श्री अयोध्या नाथ की जय, सरजू महारानी की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन के नासे विघ्न अनेक। हम सबका परम सौभाग्य है श्री बाबा गुरुदेव आनंद विभूषित गोस्वामी सेवी भारत के महान संत श्री सुदामा दास जी महाराज के तपोभूमि सुदामा कुटी जमुना तट पर स्थित है। और यहाँ पर नित्य संत सेवा, जीव मात्र सेवा, अखंड रासलीला, कथा कीर्तन सब होता रहता है। गुरुदेव भवन का आशीर्वाद है। और इस समय जो सनातन धर्म का माहौल है, बरसों बाद ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम सबकी श्री धाम अवध जब जाते थे तो एक मन में कल्पना होती कि कब वो समय आएगा, भव्य भगवान का मंदिर बनेगा। आज वह समय हम सबको ऐसा लग रहा है कि हम सपने आज प्रत्यक्ष हो गया है। अनंत काल से चिर प्रतीक्षित जो समय है आज शुभ अवसर आया है। श्री सनातन धर्म की जो ध्वजा है आज पूरी वर्ल्ड में फैल रही है। इसका मुख्य श्रेय भगवान श्री राम जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जीवन संघर्ष किया, धर्म के लिए किया, दूसरों के लिए किया, मानव मात्र के लिए शिक्षा दिया कि धर्म के लिए, देश के लिए संघर्ष करना ही चाहिए, सफलता अवश्य मिलती है। लक्ष्य चाहे भले ही कितना हो, दूर क्यों न हो, लेकिन हम सने सने एक एक कदम धर्म के पथ पे आगे बढ़ाएं तो दिन दूर नहीं रहता है जो हम लक्ष्य पे पहुंच करके सनातन धर्म की झंडा फहराते हैं। आज जो तिलक चैनल के मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि तिलक नाम सुनकर ही एक मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि तिलक लगाने से ठाकुर जी मुस्कुराने लगते हैं। डायरेक्ट एक सकारात्मक ऊर्जा मस्तक पर दिखता है। हम जो कुछ भी सनातन धर्म में शुभ कर्म करते हैं तब पहले तिलक जरूर लगाया जाता है, उसके बाद ही हम पूजा में प्रवृत्ति होते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव द्वारा देव जो प्रदुत्त राम मंत्र, कृष्ण मंत्र इत्यादि जो भी मंत्र भगवान का है, वो भी मंत्र जपने से पहले अपने मस्तक पे तिलक ही की प्रधानता होती है, तिलक ही किया जाता है, उसके बाद ही हम पूजा में प्रवृत्ति होते हैं। और तिलक करने से निश्चित ही ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं, अपने चरणों में भक्ति प्रदान करते हैं, ऐसी तिलक की महिमा है। पापी से पापी व्यक्ति भी तिलक नित्प्रति लगाता है तो निश्चित ही भगवान के धाम का अधिकारी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम भगवान से जुड़े हैं इसकी पहचान क्या है, तो मेन रूप से तिलक से ही हम पहचान पाते हैं भगवान के भक्त हैं, हम किसी के हैं, हमारे स्वामी
भगवान हैं, हम उनके दास हैं, ऐसी भावना होती है। और आज 22 जनवरी 2024 है का दिन ऐसा स्वर्णिम अक्षर इतिहास में लिखा जाएगा कि युग युगांतर तक 22 जनवरी 2024 अमिट हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आप कल्पना करिए ना, किसी को भी एक छोटा सा मकान कोई नया बनाता है तो उसकी कितनी प्रसन्नता होती है, और भगवान से तो पूरी वर्ल्ड की भावना जुड़ा हुआ है, पूरे संसार के भक्त जुड़े हुए हैं, वो अपने आराध्य को मंदिर में विराजमान देखेंगे तो उसकी प्रसन्नता के पारावार नहीं रहेगा। और मैं हम सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो जहाँ है अपने भगवान राम का उत्सव हर जगह घर घर मनावें। ये तो संभव नहीं सब अयोध्या वासी सब अयोध्या में पहुँचे, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन देश में विदेश में पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी जो हैं अपने घर में रामलला का उत्सव मनाएं। और जैसे कोई दिवाली सजाता है उस तरह से अपने घर को सजाएं, और उस दिन भगवान का कीर्तन जरूर करें, क्योंकि कीर्तन से ही भगवान के नाम के जब से ही हम सबको ये शुभ अवसर मिला है, आगे भी सनातन धर्म की ध्वजा फहरती रहे मैं मंगल कामना करता हूँ। और आप सबको आह्वान करता हूँ भगवान का, आप सब उत्सव मनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।